Why do we need to delete a vendor from our vendor list? There may be a number of reasons for that. हमें पता होना चाहिए कि हमें vendor को delete करने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि गलती से हमारे पास एक से ज़्यादा vendor एक ही नाम के खुल गए जबकि हम काम एक ही के साथ कर रहे हैं जब हमारे पास duplication होती है then we need to delete a vendor. लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि हम बहुत सारे वेंडर्स और सप्लायर से कोटेशंस मांगते हैं और बाद दफ़ा उन्हें रजिस्टर भी कर लेते हैं लेकिन डाउन द रोड थोड़े दिनों के बाद हमें एहसास होता है कि हम इन तमाम के साथ काम नहीं कर सकते हम इनमें से एक या दो चूज़ कर लेते हैं और बहुत सारे वेंडर्स जो हमने रजिस्टर कर लिए होते हैं उनके साथ कभी भी काम नहीं करते जब भी ऐसा होता है वी नीड टू डिलीट दोज़ वेंडर्स बिकॉज दे आर बेसिकली क्लटरिंग अप आर वेंडर लिस्ट और जो ऐसे वेंडर्स जब इनकी तादाद बढ़ जाती है तो बार दफ़ा हमें इन्हें डिलीट करना पड़ता है बार दफ़ा ऐसा होता है कि कोई हमारा वेंडर या सप्लायर दो नामों से अपनी कंपनी रजिस्टर करवा देता है लेकिन एक ही नाम से काम करता रहता है और उसे बाद में एहसास होता है कि दूसरी कंपनी को रजिस्टर कराई उसका कोई फायदा नहीं और वहाँ से रिक्वेस्ट करता है कि उस दूसरी कंपनी को डिलीट कर दें इन मुख्त वजूहत की बुनियाद पर हमें बार दफ़ा मजबूरी हो जाती है कि हम वेंडर को डिलीट करें लेकिन यू शुड रिमेंबर वन थिंग अगर किसी वेंडर के साथ हमने एक भी ट्रांजेक्शन कर ली है दैट वेंडर कैन नॉट बी डिलीटेड और ये अकाउंटिंग और वैसे भी दूसरे रूल्स और रेगुलेशन के तहत बिल्कुल ज़रूरी है कि ऐसे कोई वेंडर या कस्टमर को कभी भी डिलीट ना किया जाए जिसके साथ हमारा कभी ना कभी लेन देन का ट्रांजैक्शन का कोई ताल्लुक़ रह चुका है इसीलिए हम कभी भी ऐसे वेंडर को डिलीट नहीं करेंगे और सिस्टम भी हमारा ऐसे वेंडर को डिलीट करने की इजाज़त नहीं देगा जिसके साथ हमारी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हो चुकी है आइए देखते हैं कि वेंडर को हम अपने क्विक बुक से कैसे डिलीट करते हैं वंस अगेन एज़ यू नो आर होम पेज जहाँ आपने हमेशा आना और जहाँ से आपने जहाँ आप चाहें नेविगेट करके जाएंगे क्लिक ऑन वेंडर्स और हमारे पास सामने एक वेंडर की लिस्ट खुल गई है इन तमाम वेंडर्स में से हमने ये फैसला किया है कि ये जो हमारा आखिरी वेंडर है इसको हम डिलीट कर देंगे ऑल यू हैव टू डू इज राइट क्लिक आफ्टर सेलेक्टिंग द वेंडर एंड से डिलीट वेंडर जैसे ही हमने ये किया हमारे सामने एक पॉप अप विंडो आ गई है जो कह रही है प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है दिस वेंडर कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज देर इज़ अ ट्रांज़ेक्शन एसोसिएटेड विद इट इसका मतलब यह है कि क्विक बुक्स को पता है कि जिसके साथ कोई ट्रांजेक्शन मौजूद है उसको मैंने डिलीट नहीं करना और ये आपको डिलीट करने नहीं देगा ये ना सिर्फ क्विक बुक्स के असूल के ख़िलाफ़ है ये अकाउंटिंग के स्कूल के ख़राब भी है कि आप किसी वेंडर का अपनी बुक से पेज फाड़ के निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते इफ देर इज़ अ ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद इट वो हमारे पास मौजूद रहेगी भले साल दो साल तीन साल हो जाए रीज़न बींग हमारा ऑडिट भी पाँच साल तक हो सकता है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें स्टेचुरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मेंटेन करना ज़रूरी है अगर उसकी ट्रांजैक्शन ज़ीरो भी हो गई है और उसका अफेक्ट अब नहीं भी आ रहा लेकिन क्योंकि एक ट्रांजेक्शन हुई भी थी एक इन नंबर बिल नंबर या वॉट एवर इज़ एसोसिएटेड विद दैट वेंडर उसके साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अटैच्ड है उस डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री गलत हो जाएगी इसलिए हम इस वेंडर को डिलीट नहीं करेंगे अब इस वेंडर को देखें इसके साथ कोई चीज़ भी अटैच नहीं है सो ऑल यू हैव टू डू इज राइट क्लिक गो डाउन टू डिलीट वेंडर एंड डिलीटड सिस्टम आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस वेंटर रीजन बींग अगेन कभी भी डिलीशन वाला काम बगैर पूछे कन्फर्मेशन के सिस्टम आपको ओके नहीं करने देगा वह आपसे पूछता है कहीं गलती से तो नहीं हो रहा इसीलिए आपके पास एक आपने खुद किया उसने अब आपसे सवाल किया confirmation है कन्फर्मेशन है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस वेंटर आपने कहा ओके द मोमेंट यू से ओके दैट वेंडर हैज़ बीन डिलीटेड फ्राम योर लिस्ट नाउ दैट वेंडर विलीटेड फ्राम योर लिस्ट हैड नो ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद हम उसके साथ हमारी कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं थी सिर्फ इस वजह से सिस्टम ने उसे डिलीट करने दिया है अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट नंबर नहीं हैं और ये वो वेंडर्स हैं जिनके अकाउंट नंबर मौजूद हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हो सकता है ये वेंडर्स वो हों जिनके साथ हम रेगुलरली काम नहीं कर रहे और ये इजाफी तौर पे हमारे पास मौजूद हों अगर ऐसी सूरत हाल है तो हमें चेक करना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से वेंडर हैं जिनके साथ हमारा कोई भी ट्रांज़ेक्शन का रिश्ता कायम नहीं हो सका और हमारे पास लिस्टेड है और गाहे ब गाहे ऐसे गैर ज़रूरी वेंडर्स को हम अपनी लिस्ट से आउट कर दें रीज़न बींग अगर हम आउट नहीं करेंगे और सब्सिक्वेंटली उस वेंडर के साथ काम शुरू कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि उसकी रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट हो जाए एक जब हमने काम नहीं किया लेकिन सब्सिक्वेंटली डाउन द लोड हमने उसके साथ काम शुरू किया और उसको रजिस्टर कर लिया एक ही नाम एक ही एड्रेस के हमारे पास दो वेंडर आ जाएंगे आपके पास टाइम भी होता है आप देख भी सकते हैं टूल्स भी मौजूद हैं ऑल यू हैव टू डू स्क्रूटनाइज द लिस्ट ऑफ दोज वेंटर्स हुज इंफॉर्मेशन शोज आइदर अ ज़ीरो बैलेंस और नो अकाउंट नंबर आप चेक करें इनमें से कौन से ऐसे गैर ज़रूरी हैं जो आप हटाना चाहते हैं उन्हें मार्क करें और डिलीट कर दें दिस वे यू आर गोइंग टू कीप योर लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दोज वेंडर्स विथ होम यू आर वर्किंग विथ जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो लिस्ट में मौजूद रहेंगे जिनके साथ ना आपने काम करने का कोई इरादा है सिर्फ लिस्ट में मौजूद थे गैर ज़रूरी वेंडर्स वो हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए याद रहे कि कम्प्यूटर में ये पॉसिबल होता है रिटर्न रिकॉर्ड में ये पॉसिबल नहीं होता इसलिए हमें कम्प्यूटर का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए Thank you very much.